तो कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से आपका स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त प्राप नंगल और आप देख रहे हैं चुकाड़ी जट प्रोडक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। आज हम आपको एक ऐसे स्टार से, एक ऐसे इंसान से मिलाने जा रहे हैं जो 100 साल में सिर्फ एक बार पैदा होता है, जो कि है महानायक। एक ऐसा महानायक जिसका नाम लेते इंडस्ट्री थर थर कांपती है। एक ऐसा महानायक जिसका नाम सुनकर सूरज चमकना छोड़ देता है। एक ऐसा महानायक जिसको देख के चांद छिप जाता है। एक ऐसा महानायक जो सिर्फ एक है, जिससे सब डरते हैं। तो चलिए मैं आप सबको मिला ही देता हूँ आज एक ऐसे नायक से, महानायक से, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है। वो है वन एंड ओनली द नीटू शटरावाला। ऑल द वर्ल्ड दे विच साडा गाना चलना ही चलना। ओनू फेल करने वास्ते ते बस परमात्मा आप आऊगा। बाकी बंदे दी ते आपां कुछ कह नहीं सकदे। ते जे जनता ने सपोर्ट कीती जां जनता ने सानू पैसे दित्ते ते आपां आने वाला टाइम इदां दा लेवांगे कि 1 साल च 1 लाख गाना कढ दांगे ते जनता देखेगी साडा गाना, साडे गाने देखेगी बच्चां दा। यहाँ पर ही नहीं बस होती, देखिए। तो इन्होंने कहा कि वो 1 साल में 1 लाख गाना निकालेंगे। आप क्या कहते हैं? यही बात उन्हें सुपरस्टार बनाती है। 1 साल में 1 लाख गाना आप सोच भी नहीं सकते। 1 लाख गाना, ये चौथी अनपढ़ इंसान आपको बता रहा है वो 1 लाख गाना निकालेगा, जिसको ये नहीं पता कि 1 लाख में कितने डिजिट्स होते हैं। वो कह रहा है वो 1 लाख गाना निकालेगा। इसकी बकचोदियाँ यहीं पे ख़त्म नहीं होती। ये कहता है कि इसका गाना इतना चलेगा कि गॉड आकर खुद उसे रोकेगा, क्योंकि इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है कि इसका गाना रोक सके। क्या चुतिया पाया, तालियां। यहीं पे बस नहीं होती, इसने एक गाना बनाया डीजीपी पंजाब। डीजीपी पंजाब दा हो बल्ले, डीजीपी पंजाब दा शहरों अते बाहर दा हुंदी ए जनाब दा, डीजीपी पंजाब वही हो बल्ले डीजीपी पंजाब दा। वो गाना सुनने के बाद आपको पता नहीं क्या हुआ, तो मैं बताता हूँ। चलिए आपको, वो गाना सुनने के बाद डीजीपी ने रिजाइन कर दिया कि इतना भद्दा गाना मेरे ऊपर बनाया गया है। क्या कहते हैं आप लोग, गानों के नाम भी सुनने वाले हैं। डीजीपी पंजाब दा, डीजीपी पंजाब दा हो बल्ले डीजीपी पंजाब दा शहरों अते बाहर दा हुंदी है जनाब दा, डीजीपी पंजाब दा हो बल्ले मसले ते हल करे कोई भी जे गल करे डीजीपी पंजाब दा। इसके बस नहीं होती, जट दी कोठी, वाह क्या बात है। इसके बाद मैं मुंडा फौजी दा, हो मैं मुंडा फौजी दा हो जे तू मेरे नाल करे ना ब्याह, नी मैं मुंडा फौजी दा, नी मैं मुंडा फौजी दा। जो फौज में है ना वो रिजाइन कर देंगे ये सुनने के बाद। यहीं पे बस नहीं होती, इसने एक ऐसी टीम बना रखी है चुतियों की एक साथ कि आप अगर सुनेंगे तो आपके कानों में से खून निकलना शुरू हो जाएगा। इससे अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये देखने से पहले मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई, जहाँ ये मर क्यों नहीं गया। ये ऐसे ऐसे नाम है काली एक्टिवा, ये कैसा नाम हुआ? सर हुण टिकटॉक तो बाद विच ते मेरे कोल ना बड़े सारे प्लेटफॉर्म आ गया, मेरे कोलो मूवीज़ आ रही वा पंजाबी मूवीज़, शॉर्ट मूवीज़ तो चलो मैं इन्नियाँ करता ही नहीं है, एंड सोंग्स भी काफ़ी आ रहे। तुहानू पता मेरा एक कंपनी के नाल ना एग्रीमेंट साइन होया पा 3 साल का, तो आप उस वर्क भी करते पे हाँ, काम बस चल ही रहा, हूँ भी मैं शूट तो ही आ रहा है। वो क्या बोल रहा आगे से कि मैं तो शॉर्ट मूवीज़ करता ही नहीं, टिकटॉक जाने के बाद मेरे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं और मेरा तो एक कंपनी से टाई अप हो रखा है, 3 साल के लिए मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। तुम्हारा काम हमने देखा तो नहीं है, तुम कौन सा काम कर रहे हो ये हमें भी तो बताओ दया, क्या गड़बड़ हो रही है, ये पीछे में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। हाँ जी, 60 रुपए किलो होया आटा, ठीक है, लोगों ने दिया चुम्मे पर सानू तो इन्होंने चुम्मे का घाटा। क्या क्या मजाक चल रहा है, ये क्या
ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਂਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਲੀ ਐਕਟਿਵਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਚੀਮਾ ਜੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨੀਤੂ ਸਰਨਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੰਜੇ ਦਾ ਦੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿਆ ਕਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਆ ਸਾਬਿਤ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਇਹ मतलब ये इंडस्ट्री को किस तरफ लेके जा रहे हैं हम लोग मतलब किसको सपोर्ट कर रहे हैं हम ये कैसे लोग हैं कहाँ से आते हैं बचपन में इनको पोलियो की खुराक नहीं पिलाई गई थी इसी वजह से ये ऐसे हुए हैं आप भी देरी मत कीजिए अपने बच्चों को पोलियो ज़रूर पिलाइए पोलियो की दो बूंद जिंदगी की बात तो यहीं तक नहीं ख़त्म होती इनका कॉन्फिडेंस लेवल आप देख नहीं सकते पता क्या कहते हैं कि मुझे तो सलमान भाई ने खुद फोन करके बुलाया था मुंबई में फर्स्ट टाइम आए हो किससे पहले आए हो जी मुंबई में पहले फर्स्ट टाइम आया था तो सलमान खान से मीटिंग हुई थी और उन्होंने कल का टाइम दिया और कल का मेरी टिकट है कल मैं रुक नहीं सकता तो मैं फिर आज था आज उनकी शूटिंग नहीं ख़त्म हुई तो कल उन्होंने बोला मैं कल 10 बजे के बाद मैं आपको मिल सकता हूँ आप मेरे को मिल लो पर लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं मैंने कल की टिकटें जहाज़ की बुक है मेरी एयरप्लेन की तो मैं फिर कल चला जाऊंगा जी पंजाब में पर यहाँ पे भी मैं बॉम्बे में भी आया मेरा मन बहुत दुखी हुआ कि लोगों के जितने भी एक्टर यहाँ बॉम्बे में हैं सब विलन हैं कि मैं उनके पास गया था वो बोले कि मैं छूट में बिजी हूँ तुम कल आ जाना तो मैंने कहा मैं कल आ नहीं सकता क्योंकि मैं कल जा रहा हूँ आप बिजी रहो मैं आपसे भी ज़्यादा बिजी हूँ ये साबित क्या करना चाहता है मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं नहीं वीडियो बना रहा हूँ और मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ तो बस हम यहीं पे बस करते हैं तो आगे मिलेंगे एक और वीडियो में किसी और सुपरस्टार से जो बहुत बड़ा सुपरस्टार हो तो चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं आज की वीडियो सो ओके बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टे ट्यून्ड जट जुगाड़ी प्रोडक्शन